कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के अंदर तो राहुल गांधी के बयान का बचाव किया ही, उसके साथ ही संसद के बाहर भी उनका कड़ा तेवर जारी रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से माफी की मांग करना उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है चोर उल्टा कोतवाल को उड़ा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं। जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए, लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी ने दोनों सदनों में कांग्रेस को जमकर घेरा। इधर विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर में विपक्षी सांसद मार्च निकालेंगे। विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च विजय चौक से निकलेगा और ये विरोध मार्च में लगातार इस बात का विरोध किया जाएगा कि आखिर विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के निशाने पर क्यों रखा गया है। दरअसल लगातार विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये साजिश की जा रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की लाइन लेंथ पर ही बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में वही बोला जो देश में इस समय हो रहा है। राज्यसभा में हमने देखा लीडर ऑफ द हाउस को बगैर नोटिस दिए एक ऐसे सांसद के बारे में मुद्दा उठाने की बात रखी गई जो राज्यसभा में है ही नहीं। राहुल गांधी जी की पूरी बात को एंडोर्स करता है कि देश में जो उन्होंने कहा है, देश में प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वो बल्कि उस फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। को प्रूव करता है कि आज असंवैधानिक तौर तरीके से लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, 10 मिनट के लिए बोलते हैं, आरोप किस पे लगाते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इलेक्शन कमीशन को और देश को। अरे देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं और बिल्कुल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे क्योंकि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। महाराष्ट्र में हमारे पक्ष प्रमुख एक भारी संख्या में जो भीड़ आती है उनके समर्थन में जब बीड़ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा रखते हैं, उसी के अगले दिन हमारे पार्टी के सदस्य को अरेस्ट कर लिया जाता है, ईडी करती है। ईडी जो अदानी ग्रुप पे काम करना चाहिए आज ईडी विपक्षी दलों पे कर रही है, वो तेलंगाना हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।